भुज फूटबॉल एसोसिएशन द्वारा फूटबॉल स्पर्धा नु आयोजन करवामां आव्युं। नमस्कार, मारू नाम केतन सोलंकी छे अने हूँ मिनी फूटबॉल एसोसिएशन कच्छ नो वाइस प्रेसिडेंट छू। आज आप अहीं सब एकत्रित थया छीए मिनी फूटबॉल एसोसिएशन नी छठी राज्य कक्षा नी टूर्नामेंट माटे, के जेमा आपड़ा राज्य माथी छ टीमों भाग लीधेल छे। अमदावाद, गांधीनगर, बनासकांठा, राजकोट, मोरबी अने कच्छ। आ दरेक टीमों में बार बार खिलाड़ियों रम्या छे अने आपड़ी टूर्नामेंट जे मिनी फूटबॉल एसोसिएशन तरफ थी जे ऑर्गेनाइज करवामां आवी छे एने स्पोन्सर करवामां आव्यो छे आपड़ी हरविजय सिंह जाडेजा तरफ थी, हरपाल सिंह जाडेजा तरफ थी। अने आजे आपणुं खरेखर ए सौभाग्य कहेवाय के आजे राज्य कक्षानी टूर्नामेंट जे छे ए आपणा भूज खाते थई रही छे अने समग्र राज्यमांथी अलग अलग खेलाड़ियों अहींया आवेला छे। मारी साथे छे आपणा गुजरात राज्यना मिनी फूटबॉल एसोसिएशन गुजरातना जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण मेहरा साहेब। नमस्कार, जैसे कि आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया है, मेरा नाम तरुण मेहरा है और मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ मिनी फुटबॉल एसोसिएशन गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं कच्छ मिनी फुटबॉल एसोसिएशन को और उनकी पूरी कमेटी को थैंक यू कहना चाहूँगा जो इतना अच्छा सा आयोजन उन्होंने किया। इसके अलावा मैं हरपाल सिंह जाडेजा जी जो है जिन्होंने पूरी टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया, बच्चों का रहने का, खाने का, पीने का सबका अरेंजमेंट अच्छे से मैनेज किया है होटल आरती इंटरनेशनल के नाम से। सो यस, थैंक यू वेरी मच सभी कमिटी मेंबर्स एसोसिएशन के और होटल के। इसके अलावा आपको, आप सभी को मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये स्टेट टूर्नामेंट इसीलिए ऑर्गेनाइज़ की गई थी क्योंकि आने वाले दिनों में 15 सितंबर से 18 सितंबर के बीच नेशनल टूर्नामेंट होने वाली है मिनी फुटबॉल की, जो कि नासिक में है। और ये टूर्नामेंट के थ्रू हम यहाँ से गुजरात की टीम सिलेक्ट करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स को हम लेके जाएंगे नेशनल में और वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे और वो नेशनल टूर्नामेंट से सिलेक्टेड बच्चे सिलेक्ट होंगे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए जो कि यूएई रसल कायमा में है मंथ ऑफ अक्टूबर में। थैंक यू वेरी मच। सर, फुटबॉल और मिनी फुटबॉल में दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, गेम तो दोनों ही फुटबॉल है, बट इसमें कैसा होता है कि जैसे आज आप क्रिकेट में देखते हो, एक होती है 50 ओवर मैच, दूसरी होती है टेस्ट मैच, तीसरी होती है 20-20 और अब नए नए फॉर्मेट्स लॉन्च हो रहे हैं 10 साइड ये वो सब। सिमिलरली फुटबॉल में भी यही है, मेन फुटबॉल चलता है वो 11 साइड का चलता है। फैसिलिटीज़ की कमी होने की वजह से गुजरात में वो गेम को इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुआ, इसीलिए हमारे प्लेयर्स को जो कॉम्पिटिटिव लेवल चाहिए था वो नहीं मिल पाया। सो मिनी फुटबॉल और दूसरे जो भी छोटे फॉर्मेट्स के फुटबॉल चल रहे हैं वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन क्रिएट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड बच्चों को हम स्काउट करें और आगे आने वाले प्लेटफॉर्म्स पर उनको प्रेजेंट कर सकें। ये कौन कितनी एज तक का ये मैच है आज? तो ये वाला जो है ये ओपन चैंपियनशिप है, सभी बच्चे मिनिमम 16 साल या उससे ऊपर की उम्र के होंगे तो ही वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। इसके अलावा मिनी फुटबॉल में 8 साल से लेके लेजेंड जो अपने वेटरन्स बोलते हैं जो 40 के ऊपर के होते उन सभी के लिए टीम्स है। इनका सिलेक्शन आप कैसे करते हैं? इनकी गेम के बेस पे, इनका डिसिप्लिन, इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर, इनका नेचर अंदर गेम के दौरान आपका नेचर क्या है, गेम के बाहर आपका डिसिप्लिन और नेचर क्या है। सो देर आर 260 डिफरेंट फैक्टर्स एक प्लेयर सिलेक्ट करने के, सिर्फ गोल मार लिया या अच्छा खेल लिया वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में यही हमारे स्टेट को और कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। सो हम ओवरऑल सब बिहेवियर देखते हैं। आजादी ना अमृत महोत्सव निमित्ते इतिहादुल मुस्लिमीन ए हिंद ट्रस्ट आयोजित स्वैच्छिक सामाजिक संस्थानों अभिवादन समारोह। समारोह तारीख 26/8/2023 शनिवार सांजे 7 PM उबेदुल्ला खान आजमी साहब खतीब ए हिंद। कार्यक्रम ना अध्यक्ष मुख्य वक्ता उबेदुल्ला खान आजमी साहब खतीब ए हिंद। निमंत्रक इतिहादुल मुस्लिमीन ए हिंद ट्रस्ट। स्थल आगरिया फार्म वीडी बगीचा पासे अंजार वीडी रोड अंजार कच्छ। मोबाइल नंबर 9909099786।